टॉपिक का नाम है आज का डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो। नंबर वन है फॉर पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही हमें पता है। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जैसे एक चार्ज Q है और यहाँ एक पॉइंट P है। पॉइंट चार्ज मतलब उस चार्ज का अपना कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, पॉइंट चार्ज Q है, इसकी दूरी R है। तो हमें पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = kq/r² और इसका ग्राफ आपको पता है R और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, दोनों ही साइड अप टू इंफिनिटी तक ही जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। अब यहाँ पे ये आपको पहले से पता है कि ये प्रूफ हम लोग कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। अगर फील्ड पता है तो आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे, ठीक है। यानी कि अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये किसका हम निकाल रहे हैं बता दे आपको, हम फिर से हम निकाल रहे हैं पॉइंट चार्ज का। फील्ड पता है, पोटेंशियल निकाल रहे हैं कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि dv = होता है -E × dr, E·dr होता है। लेकिन हम फिर से बता दे कि अलोंग द डायरेक्शन लेके cos 0 हम 1 ले रहे हैं, मतलब E·dr, चेंज इन पोटेंशियल E·dr। अब इसी चार्ज Q का इस पॉइंट P पे जो r दूरी पे है, इस P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल इसके लिए, तो उस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, तो उस P पॉइंट पे फील्ड पता होना चाहिए। तो उस P पॉइंट पे फील्ड पहले से पता है, -kq/r² × dr, dv = रूल क्या है पोटेंशियल का, पोटेंशियल का रूल है किसी चार्ज को कहां से उठा के लाना, सबसे दूर से। तो इसका सबसे दूर कहां होगा, इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट तक लाना है, तो जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क डन बाय चार्ज पोटेंशियल होता है। यानी इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे, ये तो छोटा डिस्प्लेसमेंट है ना, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ना है तो कहां से जोड़ना है, तो उठाए कहां से लाए, इन्फिनिटी से। इसे लिमिट डालेंगे इन्फिनिटी से लेके आर दूरी तक, दिख रहा है लास्ट क्लास में बताया था, हमको याद है, इन्फिनिटी से लेके आर तक। जब इन्फिनिटी पे है तो उस समय पोटेंशियल जीरो होगा, ऑब्वियस ही बात है, कोई दूसरा चार्ज है, ये चार्ज नहीं, वो दूसरा चार्ज जिसको हम इन्फिनिटी से लाए हैं, जब वो इन्फिनिटी पे था तो वहां पे कोई फोर्स हम नहीं लगा पा रहे थे, उस समय वर्क डन जीरो होता है, इसलिए पोटेंशियल जीरो। और पी पॉइंट पे आ गया तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, वीपी लिख दिए, तो डीवी का इंटीग्रेशन वी लिमिट जीरो से लेके वीपी तक, माइनस के और क्यू कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन 1/r² का होता है, -1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, लिमिट इन्फिनिटी से लेके आर तक। ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, वीपी माइनस जीरो, वी के जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, के क्यू 1/r, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, माइनस खत्म हो चुका है, यहाँ का चमक रहा होगा 1/r लिखे है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना आ गया, के क्यू बाई आर, वो अलग बात है कि के को हम लोग लिखते हैं 1/4πε₀r। साफ साफ दिख रहा है आपको कि अगर हमें ग्राफ खींचते हैं जिसमें एक साइड आर और एक साइड पोटेंशियल हो, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के है, तो इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनता है। दोनों ग्राफ एक ही जैसा है, लेकिन एक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है और एक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, दोनों कंबाइंड ग्राफ भी आप बना सकते हैं। फिलहाल तो ये हमने किसके लिए देखा, पॉइंट चार्ज, पता क्या था, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता था, इसी पॉइंट चार्ज का उसी पॉइंट पे फील्ड निकाला हुआ पता था, इसी पॉइंट चार्ज के चलते इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है। तो जब फील्ड पता था तो पोटेंशियल निकालने के लिए उस फील्ड का यूज करके पोटेंशियल निकाल लें, याद रहेगा। नेक्स्ट, इसको हम आपको फोटो खींच के भेज देते हैं कि कल आपको शायद नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, जो लेट आए हैं वो ये ध्यान रखें कि ये कल वाला ही चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, तो अपलोड भी तो हो ही जाएगा। जैसा ये कल वाला ही अभी तक चल रहा है, अभी तक जो भी बताए हैं ये कल वाला ही बताए हैं, अब इसके आगे बताने वाले, कल ये बताए हुए थे हम कि यहाँ तक कल नेटवर्क ठीक ठाक था। आपके ग्रुप में हम फोटो भेज रहे हैं, ये हम भेज रहे हैं MW बैच में, अभी दोनों बैच के बच्चे हो सकते हैं लेकिन MW में भेज रहे हैं। याद रखिएगा, इसके बाद एक और मीटिंग आपको ज्वाइन करना है, तुरंत एक और मीटिंग ज्वाइन करना है, जैसे ये खत्म होगा तो। उसका आईडी अलग है, उसका लिंक अलग है,
ध्यान रखिएगा, वो 445 का आईडी है, उसका लिंक अलग है, बल्कि उसका लिंक आपको हम भेज दे रहे हैं, नहीं तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए बार बार कर रहे हैं। अभी इसके बाद जो आपको ज्वाइन करना है उसका भी लिंक हम भेज दिए हैं, उसको ज्वाइन कीजिएगा। दोबारे सेम आईडी पे क्लिक मत कीजिएगा आज के लिए, बाकी दिन तो बोलेंगे। हो गया, ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट किसी को? कल भी आपको हम बोले थे, इसमें किसी को डाउट है तो अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट हो तो, नहीं तो हम अगले बॉडी पे जाएंगे। अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं। किन्हीं को कोई डाउट हो, फील्ड पहले से पता था, पोटेंशियल निकाले। पोटेंशियल का डेफिनेशन ही होता है सबसे दूर से लाना है उस पॉइंट तक। सबसे दूर कहां होगा इस केस में? इंफिनिटी। किसी को डाउट नहीं है, इसलिए आपको हम फिर से म्यूट कर रहे हैं ताकि हम अगले टॉपिक तक शांति से पढ़ा सके। फिर भी किसी को बोलना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। फॉर अ पॉइंट चार्ज के बाद नेक्स्ट है फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर। नेक्स्ट है फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर, सेकंड नंबर, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर। सेकेंड नंबर है फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर। दूसरा वर्ड लिख रहे हैं फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर के लिए बात कर रहे हैं। For a uniformly charged hollow sphere, देखिए, मान लीजिए आपका एक स्फेयर है जो कि हॉलो है और इसमें चार्ज इसके सरफेस पे बना हुआ है, पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे है, खुद का रेडियस r है और इसके ऊपर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज q है, तो आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये पहले से पता है, बताना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले से पता है, याद कीजिए गॉस लॉ के एप्लीकेशन में इसका प्रूफ किए है। अगर मान लो पॉइंट बाहर है तो स्मॉल आर का वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर है, यानी पहला, अगर स्मॉल आर का वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो आपको याद होगा इसमें हम रूल बताए थे कि सारा चार्ज को हम पॉइंट चार्ज मान के कहां रख सकते हैं। एक मिनट माइक क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए इसमें रूल बताए थे कि अगर पॉइंट बाहर है तो सारा चार्ज को पॉइंट चार्ज मान के सेंटर पर लिखते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो याद कीजिए, आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था के क्यू बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, KQ by small r का स्क्वायर था, याद होगा आपको। लेकिन अगर आपसे हम पूछेंगे कि r का वैल्यू कैपिटल r हो जाए, ये तो आउटसाइड था, अगर सरफेस पे आ जाए पॉइंट तो फॉर्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, तो आपका जवाब होता था KQ by small r का कैपिटल r। और अगर पॉइंट स्फीयर के अंदर आ जाए, पॉइंट अगर स्फीयर के अंदर आ जाए, याद आ रहा है, तो आपका रूल होता था इनसाइड अगर आ गया, मतलब पॉइंट अगर अंदर आ गया, तो जो आर की दूरी है वो कैपिटल आर से कम हो जाएगी ना, इनसाइड के लिए है, अंदर के पॉइंट में ई इनसाइड, एक हॉलो स्फीयर के चलते हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, याद करो, जीरो होता है, हर जगह जीरो। अगर आपको इतना याद है तो आपको ये भी याद होगा कि इसका ग्राफ कैसे बनता था। सॉरी ये तिरछा लाइन आपको अजीब लग रहा हो, ध्यान दीजिएगा, ये आप गॉस लॉ में पढ़े हैं, अगर आप सब भूल जाइएगा तो कैसे काम चलेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा ना थोड़ा। देखिए आपका बोर्ड एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए पूरा देश भर में आपके लिए चर्चा होता है ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम में क्या हो क्या हो, क्योंकि ट्वेल्थ का बोर्ड सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ भी हो जाए कैंसिल नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला हुआ इस बार जो कैंसिल किया। अब इलेवेंथ का नंबर लेगा, उसमें टेंथ का नंबर लेगा, तो सब सोच रहा था इलेवेंथ है सही, कोई नहीं पढ़ता था इलेवेंथ तो निकल जाएंगे कह के, उसको भी अब देखो कर्मा कैसा हो गया कि उसको इलेवेंथ का यूज आ रहा है। इधर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, इधर हम आर बनाते हैं, तो ग्राफ कैसा बनता था, तो गौर करो, जीरो से लेके सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, जीरो से आर तक के बीच में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड चालू होगा, वो भी धीरे धीरे घटते जाएगा क्योंकि इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, देख रहे हैं आप बाहर की ओर, ये हम पहले बता चुके थे, इसलिए इसमें हम ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहते। ये जब सरफेस पे आ गया था उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, क्योंकि ये सरफेस का है, ये है ई एक्स सरफेस, ये ई सरफेस था। तो ये देखो, ये आपको ग्राफ असल में यहां से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि इसके पहले इनसाइड में फील्ड है ही नहीं,
तो आपने ये समझ रखा था कि भाई ऐसा कुछ सिचुएशन होता है फील्ड के लिए। अगर आपसे हम पूछे, अब फील्ड तो हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, अब आपसे पूछेगा कि फॉर पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? फॉर पोटेंशियल बात किसी कह रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हॉलो और सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल का चीज लोग याद करवा देता है स्कूल में टीचर लोग, है बहुत जरूरी, इसलिए रिक्वेस्ट है सुनिएगा इसको। मान लीजिए ये आपका स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसमें चार्ज है क्यू और पॉइंट है यहाँ पे रेडियस आर। पॉइंट कहाँ लेना है? तो मान लो पहला केस आउटसाइड चेक करना चाहते हैं, बाहर की ओर पॉइंट है, यानी स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर, दिख रहा है आपको? पॉइंट बाहर है, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर, यहाँ है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो आप बोलेगा अरे भैया इतना आसान तो है, उस पॉइंट पोटेंशियल निकालने बोल रहा है, जैसे कितना बड़ा चीज पूछ दिया। फॉर्मूला है हमारे पास dv इक्वल टू माइनस e इनटू dr, बस e इस बार आप आउटसाइड का लीजिएगा, e कहाँ का लेंगे? आउटसाइड का, और भाई दोनों साइड क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और p पॉइंट को सबसे दूर ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे बताओ, कहाँ से उठा के लाना है उसको? इन्फिनिटी से रेडियस r तक, जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो पोटेंशियल कितना होगा? जीरो, और पॉइंट पे पोटेंशियल vp। इजी है ना, है ना इजी? देखो dv का v हो जाएगा लिमिट जीरो से लेके vp तक माइनस e आउटसाइड का वैल्यू, देखा e आउटसाइड का वैल्यू, अच्छे से देख लो, e आउटसाइड k q by r square into dr लिमिट इंफिनिटी से r तक, vp माइनस v जीरो इक्वल टू माइनस k q 1 by r square का माइनस 1 by r लिमिट इंफिनिटी से r, तो पोटेंशियल एट p इक्वल टू k q by r, k q by r मतलब ये तो वही रिजल्ट आ गया जब कोई चार्ज को हम रखते थे और पॉइंट सीधे सीधे पता था r दूरी पे, तो भी पोटेंशियल k q by r ही होता था। कहने का मतलब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम आ गया जो हम लोग पॉइंट चार्ज का किए थे, इसका मतलब अगर पॉइंट बाहर है और हमको तो भी पोटेंशियल निकालना है, तो हम सारा चार्ज को पॉइंट चार्ज मान के कहां रख सकते हैं? सेंटर पे। मतलब एक चार्ज हॉलो स्फीयर के किसी बाहरी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो हम सारा चार्ज को पॉइंट चार्ज मान के कहां पे रख सकते हैं? सेंटर पे। ध्यान हो गया, कहां पे रख सकते हैं? सेंटर पे। देख लीजिए क्यूबा यार, ये था आउटसाइड का। अगर आपसे पूछेंगे कि सरफेस पे कितना होगा पोटेंशियल एट सरफेस, तो आप बोलेगा हो सरफेस पे तो बस स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर पुट कर दो, क्योंकि सरफेस पे तो वही आ जाता है, यानी पोटेंशियल एट सरफेस वीएस लिख रहे हैं, सरफेस फॉर वीएस के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा पॉइंट जब अंदर आ जाएगा तो क्या होगा? देख लीजिएगा ध्यान से, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड, नंबर थ्री पोटेंशियल निकालना, देख रहे ना हमें पता है फील्ड पहले से और उसके जरिए हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, फॉर्मूला एक ही यूज कर रहे हैं dv इक्वल टू माइनस e इनटू dr। मौका देंगे आपको अनम्यूट करके, आप इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये पता है तो आप किसी भी सवाल में काम कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको हो सकता है स्कूल नोट्स में यह ना दिखे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं आपको, और ये जो रिजल्ट सब बोल रहे हैं वो अंत में लिखवाना भी है हमको। इनसाइड, इनसाइड मतलब स्मॉल आर का वैल्यू लेस देन कैपिटल आर। देखो इस बार dv इज इक्वल टू माइनस e इनटू dr, e लेंगे इनसाइड, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा इसको मिटा के समझाना चाहेंगे। इस बार पॉइंट जो है ये आपका चार्ज स्फीयर है, और पॉइंट कहां पे है? पॉइंट इसका खुद का रेडियस कितना है? इसका खुद का रेडियस कैपिटल r, लेकिन पॉइंट यहाँ है p अंदर स्मॉल r, दिख रहा है आपको पॉइंट? पॉइंट अंदर है स्मॉल r, दिख रहा है। इस बार अगर आपसे हम बोलते हैं कि p पॉइंट पे निकालना है, तो आप ये बताइए कि p पॉइंट को सबसे दूर कहां तक ले जाएंगे? जैसे आप फॉर्मूला बोलिएगा ना, हाँ भाई dv इक्वल टू माइनस e इनटू dr, e लेकिन इनसाइड का लेना है, तो बताओ इस बार कहां सबसे दूर जाएंगे? सबसे दूर, तो सबसे दूर अभी इन्फिनिटी मत ले जाएगा, इन्फिनिटी ले जाने पे तो वो स्फीयर के बाहर का हो गया, ऐसा सबसे दूर ले जाना कि वो स्फीयर के अंदर ही रहे, तो सबसे दूर जाएगा सरफेस तक, यानी कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक, बाहर का पॉइंट में सबसे दूर इन्फिनिटी तक गया था, तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आए थे तो दूरी आर इन्फिनिटी से आर तक लिखे थे, दिख रहा है? लेकिन अगर आप अंदर आ गए तो आपको अंदर में सबसे दूर जाइएगा सरफेस तक, तो लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर होगा, ठीक है। कैपिटल आर में जब जाइएगा तो उसमें पोटेंशियल वीएस लिखेंगे,
क्योंकि इन्फिनिटी पे तो है नहीं, सरफेस पे गया तो सरफेस का पोटेंशियल, और जब उस पॉइंट पे आया तो पोटेंशियल वी पी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, बीवी का इंटीग्रेशन वी लिमिट फ्रॉम वी एस से वी पी इज इक्वल टू जीरो। अरे हम जीरो क्यों लिख दिए भाई, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू जीरो। पी पॉइंट पे वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पे है, यानी के क्यू बाई आर, और ये पूरी तरह से क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, पूरी तरह से क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब समझिएगा ध्यान से, पी पॉइंट पे वही पोटेंशियल है जो सरफेस पे है, क्योंकि इधर तो फील्ड जीरो है। इसका मतलब ये कि अगर हॉलो स्फीयर है, एक पॉइंट यहाँ है पी वन जो आर वन दूरी पे है, और एक पॉइंट यहाँ है पी टू जो आर टू दूरी पे है, एक वो सेंटर पे है, सेंटर पे देखो, सेंटर यहाँ पे सेंटर पे आर का वैल्यू कितना है, जीरो। चाहे कहीं भी अंदर का कोई भी पॉइंट हो, पी वन पे वही पोटेंशियल होगा जो पोटेंशियल पी टू पे है, जो पोटेंशियल सेंटर पे है, सबका पोटेंशियल वही होगा, सब किसके बराबर होगा, जो पोटेंशियल कहाँ पे होता है, सरफेस पे, यानी कितना, के क्यू बाई कैपिटल आर। यानी यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक हॉलो स्फीयर के अंदर हर जगह फील्ड जीरो होता है, लेकिन एक हॉलो स्फीयर के अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। मान लो इस स्फीयर का, मान लो इस स्फीयर का सरफेस का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट, तो यहाँ का भी 10 वोल्ट, 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 यहाँ का भी, कहीं का भी पोटेंशियल कितना वोल्ट होगा, 10 वोल्ट। एक हॉलो स्फीयर के अंदर हर जगह देख लो कॉन्स्टेंट होता है, पी पे वही पोटेंशियल जो एस पे आया, प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। तो ये बात हम दो बात अभी आपको लिखवाने जा रहे हैं, लेकिन एक बात समझिए, अगर हमको कोई बोला कि इसका प्यारा सा ग्राफ बनाओ, ये सब कुछ क्वेश्चन में आपको दिखेगा कभी ना कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं आप, अगर आपको जीवन में अच्छा करना है तो ये कॉन्सेप्ट सीखना होगा। इधर पोटेंशियल V है, इधर R है, स्मॉल R, जब सेंटर पे आएंगे तो स्मॉल R जीरो, सेंटर से बढ़ते बढ़ते कैपिटल R यानी सरफेस तक आए, उसके बाद आगे गए, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक सब जगह तो पोटेंशियल फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स, स्ट्रेट लाइन, ये वही पोटेंशियल है जो सरफेस का पोटेंशियल है Vs, और उसके बाद जैसे बाहर निकलेंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा बाहर के लिए KQ by small r, मतलब पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, यानी बाहर में ये ऐसे जाएगा, देखा, तो ये ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस r ग्राफ है, ये फील्ड वर्सेस r ग्राफ, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन था, ये नहीं बना हुआ था, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे डॉटेड लाइन था समझाने के लिए, बिल्कुल डॉटेड था, यहाँ कुछ बना हुआ नहीं था, ग्राफ सिर्फ ये था, यहाँ पे पूरा ग्राफ, ठीक है। अभी आप इसको लिखेंगे, हम आपको उसका फोटो भेज रहे हैं, और पहले इतना करने के बाद आपको अनम्यूट करेंगे। आप आराम से अपने व्हाट्सएप में जाके इसको देख सकते हैं, साफ साफ दिखेगा, क्योंकि अगर बोर्ड में आपको कुछ गड़बड़ दिख भी रहा है तो व्हाट्सएप पे जाके एक बार आप देख लेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा, और अगर बोर्ड पे दिख रहा है तो व्हाट्सएप पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अंकित, सबसे पहले अंकित सिन्हा देखा, वेरी गुड अंकित, फास्ट हो तुम, समझ में आ रहा है अंकित, आ ही रहा होगा, फिर भी नहीं आ रहा तो प्लीज पूछना अंकित, और जो भी बाद में देखा कौशल राज और कौन कौन, हम आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए, हाँ सांसी समझ में आ रहा है ना, अर्पिता तुम लोग समझ में आ रहा है, अतुल, गौरव भी क्लास कर रहा है, गुड बॉय, गौरव को हम हर दिन चेक करते हैं क्योंकि क्लास बहुत कम करता है, आप बोल सकते हैं, कोई भी, समृद्धि, श्रेया, श्रुति, कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत, ये वाली कॉन्सेप्ट पहले से पता है, ये प्रूफ कर चुके हैं, अगर आप भूल गए तो आपको बता दें कि हम लोग को पता है, फील्ड की सहायता से हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं। कनक, मान्या, राज, कुछ भी कुछ पूछना हो, प्रकृति, मोहंती साहब, उमंगराज भैया, ग्राफ ग्राफ बता दीजिए ना, वो जो डॉटेड लाइन वाला बताए, पोटेंशियल या फील्ड वाला, हाँ भैया, मतलब डॉटेड लाइन इसमें हुआ और इसमें बस ये ग्राफ, असल में ये है, देखो ये ग्राफ, ग्राफ इसका यहाँ से हुआ है सीधे, कुछ है ही नहीं, लेकिन समझने के लिए क्या था, ये लाइन यहाँ मैच करा, ये लाइन यहाँ के लिए, इसीलिए हम ऐसे डॉट लाइन खींच दिए, ग्राफ तो यहाँ से बना है और इसका ग्राफ यहाँ से है, क्योंकि जब जीरो पे भी है तो भी सरफेस का पोटेंशियल, यानी ये पूरा ग्राफ है ऐसे, यहाँ पे बस ये मिटा दिए ताकि समझ में आए कि यहाँ से, लेकिन ये डॉटेड लाइन क्यों खींचे, ताकि ये पता चल सके कि ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है, ये पॉइंट यहाँ के लिए है, ठीक है ना, और कोई इसको बोलना है कुछ तो बोल सकते हैं, ठीक है भैया। मेघा कुछ बोलना चाह रही है, हाँ मेघा बोलो बाबू, क्या बोलना चाह रही हो, हम देख ले रहे हैं, इनसाइड वाला, ओके मेघा, देखो ये है इनसाइड पॉइंट, अगर अंदर आ गया है मेघा, पॉइंट अंदर है तो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर लिखेंगे,
लेकिन अब इसमें लिमिट कहां से कहां, इसमें इंफिनिटी से आर तक क्यों नहीं डाले, क्योंकि किसी भी पॉइंट को सबसे दूर से उठा के उस पॉइंट तक लाना है। अगर इसको हम इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो स्फीयर के बाहर हो जाएगा, लेकिन रूल के हिसाब से तो इसको स्फीयर के अंदर होना है, इसीलिए जब इसको सबसे दूर ले जाएंगे तो कहां ले जाएंगे, सरफेस तक। तो इनसाइड पॉइंट की लिमिट हमेशा आर से स्मॉल आर तक होगा इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए हमेशा इन्फिनिटी से आर तक होगा। अब इसमें इन आर पे जाएंगे तो वहां पे डीवी यानी पोटेंशियल का लिमिट जो सरफेस का है वो वीएस से लेके वीपी तक होगा, वीएस से लेके वीपी तक। अब इसमें इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसलिए पूरा टर्म जीरो हो गया, डीवी का वैल्यू भी आया, वीएस से वीपी, अपर लिमिट वीपी, लोअर लिमिट वीएस, इससे वीपी इक्वल टू वीएस आ गया। मतलब पी पॉइंट पे वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पे होता है, यानी के क्यू बाई आर। इसमें हम समझाइए कि मान लो ये सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है और अंदर में सेंटर पे भी हमसे कोई पोटेंशियल पूछेगा तो भी जवाब 10 ही वोल्ट होगा, चाहे यहाँ पूछेगा तो भी 10 ही वोल्ट। मतलब अंदर के हर जगह पोटेंशियल सेम होता है और वो किसके बराबर होता है, सरफेस के, यानी अंदर में हर जगह पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है। और यहाँ पे आप क्या सीखे आउटसाइड के लिए कि किसी भी स्फीयर के बाहर के पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो सारा चार्ज को पॉइंट चार्ज मान के सेंटर पे रख सकते हैं और उसके जरिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखिएगा नीचे में स्टार मार्क नंबर वन, पहला पॉइंट स्टार मार्क नंबर वन। ये हम फोटो भेज चुके हैं, किसी को लिखवाना है अभी रुकना है तो आप हाथ उठा सकते हैं, रुक जाएंगे, कोई नहीं रोक रहे हमको, यानी हम पॉइंट बोल सकते हैं क्योंकि हम आप ही 37 के लिए जिम्मेदार हैं या 36, 37 जो भी लोग हैं, हम आप ही के लिए जिम्मेदार हैं। आप जो बोलेंगे तो आप ही चलेंगे, कोई हम देश भर के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, हम सिर्फ आपके लिए जिम्मेदार हैं अभी के लिए, इसलिए आपको बोलना चाहिए। फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, for calculating electric potential at any point outside of a hollow sphere, uniformly charged hollow sphere, at any point outside of a uniformly charged hollow sphere, one can assume total charge as a point charge, concentrated at its center for calculating electric potential at any point outside of a uniformly charged hollow sphere, one can assume total charge as a point charge concentrated at its center. Point number dusra, iske bare mein bol rahe hain, iske bare mein electric potential, point number dusra, electric potential at any point inside a hollow sphere, matlab kaisa hollow sphere, uniformly charged hollow sphere, electric potential at any point inside, electric potential at any point inside a uniformly charged hollow sphere, electric potential at any point inside a uniformly charged hollow sphere is always constant and equal to the potential at the surface. Dekh raha hai na, andar mein har jagah constant hai, and equal to potential at the surface. नंबर तीसरा हेडिंग लिखिएगा, तीसरा हम बता रहे हैं। अब ये पहला किए थे पॉइंट चार्ज, इस पे बहुत नोमेकल होगा, अर्थिंग वाला नोमेकल होगा, एक स्फीयर के बाद दूसरा स्फीयर फिर तीसरा स्फीयर, लोग डायरेक्ट ना रूल बता के आगे बढ़ जाते हैं और बाद में बच्चे कहते हैं अरे समझ में अब नहीं आ रहा, पहले आ रहा था। स्कूल की बात करें, मेरी बात करें, अगर आप बिना समझे बेसिक को बिना समझे सीधे नोमेकल में कूदिएगा, कुछ में कूदिएगा तो प्रॉब्लम आएगा, और एक बार बेसिक ठीक हो गया तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर आप ब्लेम करने लगते हैं हम लोग को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा सॉरी ये हो गया आपका ना, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर, अब हम किसके निकालेंगे, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ही निकालेंगे, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर नहीं, इस बार हम कौन सा स्फीयर लेंगे, सॉलिड स्फीयर। बात करते हैं इसके ऊपर हम लोग, देखिएगा एक सॉलिड स्फीयर है, अब हॉलो नहीं है, अब सॉलिड है। नंबर अगला है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी समझिएगा, सेकंड मीटिंग आज क्यों जरूरी है आपको करना,
सेकेंड मीटिंग के लिए नया आईडी पासवर्ड आपको हम भेजे हैं, ये वाला आईडी पासवर्ड पे क्लिक नहीं करना है। सेकेंड मीटिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि उसमें आज हम शुरू करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक सेपरेट टॉपिक। अब पता चला कि वही नहीं किया, फिर नहीं समझ में आया, बाद में हमको हल्ला मचाइएगा। सेकेंड मीटिंग आपको करना जरूरी है। और कल क्लास नहीं है एमडब्ल्यू बैच वालों का, और कल क्लास आपका नहीं है, और टीटीएस वालों का भी सैटरडे को ही रखेंगे, दोनों क्लास कंबाइंडली संडे को रखेंगे, ठीक है? उसमें हम ताकि हम एक दिन तो बच सके, कंबाइन आप करने देने में तो आपको हम पूरा सुख दिए, संडे के दिन तो हम कर सकते हैं एक दिन कंबाइन। देखिए आप ध्यान से, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड। पता है सॉलिड की खासियत क्या है, सॉलिड स्फीयर की खासियत है कि चार्ज पूरा वॉल्यूम में होता है, पूरा वॉल्यूम में हर जगह फैला हुआ है। तो इसमें आपको हम प्रूफ करवा चुके थे, याद आपको होगा तो, कि अगर पॉइंट बाहर है तो फील्ड का वैल्यू सेम होता है, जैसा सॉलिड हॉलो वाला था वही, सरफेस पे भी सेम होता है। हाँ, अंदर के लिए जीरो नहीं होता इस बार, आपको याद होगा या नहीं याद होगा अलग बात है, लेकिन अब आपको तैयार रहना चाहिए, आपको सब कुछ याद होना चाहिए। अंदर के लिए क्या है फॉर्मूला, किसी को याद है, ई इनसाइड का फॉर्मूला होता था के क्यू बाई आर क्यू इंटू में स्मॉल आर, मतलब अंदर में जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्मॉल आर के। अगर सेंटर पे पूछ दे, एट सेंटर, अगर आपसे हम सेंटर पे पूछ दे तो सेंटर पे आर का वैल्यू जीरो होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा सेंटर पे। तो हम आपको पहले बताए थे कि एक हॉलो स्फीयर में अंदर में हर जगह फील्ड जीरो होता है, लेकिन सॉलिड स्फीयर में सिर्फ सेंटर पे जीरो होता है। जैसे अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ के सेंटर पे जीरो होता है, वैसा ही यहाँ पे भी है। तो इसका ग्राफ आपको याद होगा, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर के। ग्राफ हम दोबारा क्यों ये बता रहे हैं कि एक साथ दोनों सीखने में ज्यादा फायदा होता है, ई वर्सेस आर ग्राफ। जब आर जीरो है तो ई जीरो है, सीधा लाइन क्यों गया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। देख रहे हैं ई इनसाइड में ये टर्म तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आर जीरो था तो फील्ड जीरो, इसीलिए ऐसे, और उसके बाद फिर ये आगे ऐसे जाएगा। ये आपको याद होगा, ये हम लोग बहुत बार किए, ये ई एट सरफेस है, ये कैपिटल आर है, ये आपको याद होगा, याद है ना ये वाला, ये ग्राफ तो आपको अच्छे से याद है। अब हमको पोटेंशियल निकालना है, अब ये हॉलो स्फीयर नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, सॉलिड स्फीयर है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहला केस आउटसाइड, आउटसाइड के लिए ई आउटसाइड सेम है, रिजल्ट भी सेम आएगा, सरफेस पर भी सेम आएगा, यानी कि हॉलो और सॉलिड में पहला दो पॉइंट तो सेम हो गया, क्योंकि दोनों के लिए रिजल्ट सेम था। तो एक सॉलिड स्फीयर के भी बाहर में चार्ज निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए सारा चार्ज को हम सेंटर पे पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? ध्यान हो गया, सारा चार्ज को आप सेंटर पे रख के रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो पॉइंट इनसाइड हो गया, अंदर हो गया, तो हम क्या करेंगे इस केस में, सब कुछ वही है, बस इस बार ई इनसाइड का वैल्यू जीरो नहीं है, ई इनसाइड का कुछ वैल्यू है, और वो कितना है, वो वैल्यू है माइनस इंटीग्रल ऑफ के क्यू बाई आर क्यू इंटू में आर इंटू में डी आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर, दिख रहा है आपको, है ना? यहाँ पे आप गौर करो, Vp माइनस Vs इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर क्यू कॉमन आर डी आर, यानी आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर। अंदर में तो आर डी आर है ना, तो आर डी आर का इंटीग्रेशन तो आर स्क्वायर बाई टू ही ना होगा। किसी किसी का इंटीग्रेशन वीक है और इंटीग्रेशन नहीं पढ़े तो 11th में, आज वैसे हम डिफरेंशिएशन सिखाएं, अगला दिन चेन रूल सिखाएंगे 11th में, डिफरेंशिएशन के लिए तो कोई कुछ बोला नहीं था, फिर भी अगर किसी को डिफरेंशिएशन भी सीखना होगा बेसिक, तो आज हम अपलोड कर देंगे एक वीडियो डिफरेंशिएशन पढ़ाए, वो देख लीजिएगा, फिर इंटीग्रेशन का भी एक दिन वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे टू बाहर निकाल दो, माइनस के क्यू बाई टू आर क्यू, पहले अपर लिमिट होता है और फिर लोअर लिमिट होता है ना, तो इसमें हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, दिख रहा है? और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, थोड़ा मैथमेटिकल है ध्यान दीजिएगा। तो हम क्यों ना इसी स्टेप में काम कर दे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, हम क्या किए पहले लोअर लिमिट किए फिर अपर लिमिट, तो ये माइनस अपने आप खत्म कर दिए, दिख रहा है आपको? यहाँ तक में किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछे, कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है फिर भी आपको यहाँ तक में कोई, अभी तो सिंपल मैथ से वैल्यू डालेंगे हम, लेकिन यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत है तो अनम्यूट कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख रहे हैं यानी अभी लिखना है, इसके बाद इंटीग्रेशन में थोड़ा सा हमको जगह चाहिए उधर, तो हम बढ़ेंगे उधर। आप में से कोई कुछ नहीं बोला इसलिए आपको हम दोबारा म्यूट कर रहे हैं, फिर भी दोबारा मौका मिलेगा पूछने का, ऐसा नहीं कि अभी म्यूट कर दिए तो फिर नहीं पूछ सकते, एक बार नहीं बोले तो। हाँ यहाँ देखिए, अब कुछ नहीं है, पोटेंशियल एट पी वीपी माइनस भी जो चला तो प्लस में वीएस हो जाएगा, और वीएस का वैल्यू कितना है क्यू बाई आर। तो यहाँ देखो ध्यान से, के क्यू बाई टू ये जब गया इधर इनटू में तो आर स्क्वायर बाय आर क्यू माइनस आर स्क्वायर बाय आर क्यू ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो। अच्छा यहाँ पे मिटा रहे हैं क्योंकि इधर हमको जगह नहीं है और काम बिगड़ सकता है, आप यहाँ तक लिखिए और हम इधर मिटा के बाकी लिखते हैं। पहले इसका हम फोटो भेज देते हैं ताकि रिजल्ट और ग्राफ दोनों समझा सके। ये तो क्वांटिटी हो जाता है, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है इन्फिनिटी से क्यों लाया आर तक, ये पूछ रहे हैं प्रिशा। देखो प्रिशा, जब पॉइंट बाहर हो तो सबसे दूर इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना है, लेकिन जब पॉइंट अंदर हो तो सबसे दूर सरफेस से उस पॉइंट तक लाना है, सरफेस का दूरी तो कैपिटल आर है, इसलिए कैपिटल आर से स्मॉल आर लिखिए। बीच में वॉइस नहीं आ रहा था, मेरा नेटवर्क यहाँ भी गड़बड़ हुआ था क्या आज, तो बताइएगा व्हाट्सएप पे, आप बोलिएगा एकदम जाने कैसे, हो सकता है यहाँ पे भी अगर नेटवर्क खराब है तो फिर बहुत चिंता की बात है। ऐसा एक बच्चे ने कहा कि मेरा बीच में वॉइस नहीं आ रहा था। तो ये आर क्यूब हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं, ये फॉर्मूला हम लोग गॉस लॉ में प्रूफ कर चुके हैं, वहां से हम डायरेक्ट लिखे हैं ये सब फॉर्मूला, गॉस लॉ में सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर सबका प्रूफ किए हैं, वहां से डायरेक्ट लिखे हैं, ठीक है। बोलने बोलते तो कोई नहीं बोलता, अलग से पूछता है ठीक है, अलग से ही पूछा करो, व्हाट्सएप पे हमको भेज दो मैसेज, हम देख लेंगे, ठीक है। हम फोटो भेज दिए हैं और थोड़ा सा मिटा रहे हैं इधर साइड, फोटो भेज दिए हैं थोड़ा इधर मिटा रहे हैं, इधर इधर मिटा रहे हैं थोड़ा सा इधर, ताकि हम लिख सके पूरी बात। तो वहां से पोटेंशियल एट पॉइंट पी बीपी इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, के क्यू बाई टू आर क्यू इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर, लिख रहा है के क्यू बाई आर, ये वाला मैं लिख दिया के क्यू बाई आर, ओके। तो के क्यू अगर हम यहाँ रखते हैं बाई में एक आर रखते हैं मान लो, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई में टू आर स्क्वायर प्लस में के क्यू बाई आर। देखो हम क्या किए, हम के क्यू बाई आर यहाँ रखे, तो यहाँ बचा टू आर स्क्वायर, देखो टू आर स्क्वायर में से खाली हम आर यहाँ रखे हैं, तो टू आर यहाँ भी जाके डिवाइड में आया, यहाँ भी आया, बस सोल्व करने का एक तरीका है अच्छे से सोल्व होने में, क्यों ऐसा किए ताकि दोनों से के क्यू बाई आर हम कॉमन निकाल सके, के क्यू बाई आर कॉमन, तो यहाँ बचेगा वन बाई टू माइनस, यहाँ देख रहे हो आर स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर प्लस वन, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट पी का फॉर्मूला आया के क्यू बाई आर थ्री बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर। अच्छा हो तो ये थ्री बाई टू का टू बाहर निकाल सकते हो मन हो तो, लेकिन हम लिख दिए, ये फाइनल रिजल्ट हुआ। देखो पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू दिस, और अगर आपसे हम पूछते हैं कि सेंटर पे कितना पोटेंशियल है, सेंटर पे ये रिजल्ट हम बस ये मैथ्स है यहाँ पे, ये फिजिक्स नहीं है कि इसमें कंफ्यूजन हो, आप बनाइएगा तो देखिए कैसे कैसे किए हैं, हो सकता है कहीं कुछ उलटपटांग हो गया हो तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सेंटर पे अगर कोई पूछेगा तो एट सेंटर, तो सेंटर पे स्मॉल आर का वैल्यू जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू ये जीरो, तो बचेगा थ्री बाई टू के क्यू बाई आर, और ये सबसे ज्यादा है, ये मैक्सिमम है सेंटर पे, क्योंकि थ्री बाई टू के क्यू है, अगर आगे बढ़ोगे तो फिर तो आर का वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटते जाएगा ना, तो सबसे अधिक सेंटर पे होता है पोटेंशियल, उसके बाद फिर घटते जाएगा फिर सरफेस पर, बाहर निकलते तो घटते ही जा रहा है, बाहर के लिए तो पोटेंशियल घटते ही जा रहा है, ठीक है। इधर वाला आप कॉपी कीजिएगा, इधर वाला हम मिटा रहे हैं, इसका ग्राफ ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया है स्कूल में, तो आपने प्रूफ नहीं हुआ होगा, हम ये कंफर्म है पोटेंशियल का सीधे रिजल्ट हुआ है स्कूल में, आप देख लीजिए किसी स्कूल में अगर प्रूफ हुआ है तो जरूर बताइएगा हमको मैसेज में हाथ उठा के या जैसे भी, अगर स्कूल में हुआ है तो भाई टीचर अच्छे हैं आपके, उनको आप शुक्रिया कीजिए, ये सब चीज टाइम पास लगता है कई बच्चों को। बी वर्सेस आर,
इसका ग्राफ ऐसा बना, देखो ये है पोटेंशियल एट सेंटर, ये है पोटेंशियल एट सेंटर, और ये आर का वैल्यू जीरो था यहाँ पे ना, यहाँ पे आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हुआ तो पोटेंशियल एट सरफेस, और यहाँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसलिए इसके बाद ऐसे गया। ठीक है, तो ग्राफ आप याद जरूर कर लीजिएगा, ग्राफ इस तरह से होता है। सेंटर पे देखो 3/2 के क्यूब आर था, और 3/2 के क्यूब आर से घट रहा है, आर का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसलिए घटने जैसा बना है, और फिर आउटसाइड में तो घटते ही जा रहा है। इसको आप लिख ले, और आप अगले मीटिंग के लिए हम आईडी आपको भेजे हैं, देखिए आपके ग्रुप में अलग आईडी है, उसमें टीटीएस लिखा वो आईडी है, वो अगले ग्रुप के लिए आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, ताकि अगले मीटिंग में ही वो बताएंगे, लेकिन आप पूछ सकते हैं। एनीवन कुछ भी अनम्यूट कर सकते हैं, फोटो हम भेज देंगे, हाँ वो तो हम भेज देंगे, और कुछ फोटो तो हम भेज देंगे। मैं नेटवर्क खराब है क्या जी, आज यहाँ से भी दिक्कत हो रहा है? नो सर। ठीक है, थैंक यू, अगर यहाँ से दिक्कत नहीं हो रहा है तो। स्कूल में हुआ है ऐसे जो मैसेज मैंने बोला?